हेलो, गुड मॉर्निंग माय स्वीट स्वीट लवली लवली फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज बनाएंगे एक फूलगोभी का रेसिपी। यह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो देखते रहे ना। ये है फूलगोभी। फूलगोभी को मैंने थोड़ा बहुत गर्म पानी में थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के उबाल लिया था 2 मिनट के लिए। फिर इसको छान के ऐसे ही मैंने रख दिया। और ये ग्लास में ना मैंने जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड पाउडर को भिगो के रख दिया है 20 मिनट के लिए। तो ये दोनों देके मैं बनाऊंगी एक अच्छा सा डिश। बहुत अच्छा लगता है खाने में गरम गरम चावल के साथ। तो चलो बकबक ना करके बना लेते हैं। मैं ना माचिस इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे ना वो जो गैस लाइटर है ना, मुझे वो एक आवाज होता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। धूम ऐसे करके मुझे डर लगता है, तो मैं हमेशा माचिस से ही गैस ओवन को जलाती हूँ। तो चलो बना लेते हैं। ये फूलगोभी में इतना ऑयल देना पड़ता है फ्राई करने के लिए। बहुत सारा ऑयल देना पड़ता है। अभी मैं ये फूलगोभी को फ्राई कर लूँगी, फिर मैं ये मस्टर्ड देके मैं बनाऊँगी। तो चलो डाल दिया मैंने फूलगोभी को कढ़ाई के अंदर। अभी इसको फ्राई होने देते हैं। गोभी फ्राई हो गया, बस अभी उतार लेंगे गोभी को। आज फिर से मैंने एक सुंदर सा फोटो मैंने मंगवाई है ऑनलाइन, तो देखना और बोलना कैसा लग रहा है। बहुत दिनों से मेरा इच्छा था कि मैं ये खरीदूँ। इतना सुंदर वो भगवान का तस्वीर, राधा कृष्ण का, मैं बाद में दिखाती हूँ ये हो जाने के बाद, ठीक है। ये जो मस्टर्ड मैंने भिगो के रखा है, इसको छान के इस तेल के अंदर दे दूंगी। इसमें मैंने हल्दी पाउडर जो है उसको मिला दिया है। अभी मैं ये फ्राई जो फूलगोभी का मैं फ्राई किया है, अभी इसके अंदर मैं डाल दूंगी। चिली देना भूल गई, और 2 ग्रीन चिली।
पानी देना पड़ेगा थोड़ा। ये देखो अभी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, बाद में थोड़ा सा शुगर देके उतर लेंगे। मैंने सब्जी को बिठा दिया है और क्या मंगवाई है मैंने, तो चलो दिखाते हैं और बताना कैसा लग रहा है ये वॉल पर। ये देखो मास्क झूल रहा है अभी तक, इसको मैं आज ना फेंक दूंगी। कोरोना चल गया फिर भी मास्क मैंने यहाँ पर रख दिया है, लेकिन मैं तो मास्क हुआ कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। कोरोना के टाइम में दो चार दिन यूज़ किया था, बस मुझे अच्छा नहीं लगता, दम घुट जाता है मास्क डालने से, बाप रे बाप। तो चलो देख लो अच्छा है ना। और ये देखो यहाँ पर मेरा गोभी का सब्जी हो गया, बस अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा चीनी डाल दूँगी और उतर के रख दूँगी थोड़ा। चीनी मैंने इसके अंदर डाल दिया। हो गया मेरा ये फूलगोभी का रेसिपी, बहुत अच्छा लगता है गर्मा गर्म चावल के साथ, तो ज़रूर ट्राई करना, ट्राई करके खाना। देखो मैं सुबह से लेके ना पागल की तरह इधर उधर घूम रही हूँ, मैं अपने बालों को भी नहीं कॉम्ब किया सुबह से। आज तो मैं शैम्पू करूँगी क्योंकि ऑयल है बहुत, ऑयल नहीं मैंने दिया था वो सीरम कल रात को, हेयर फॉल हो रहा था इसीलिए एक सीरम मंगवाई थे, तो वही सीरम मैंने कल रात को दिया था अपने बालों पे, तो आज मैं शैम्पू करूँगी। तो चलो अभी मैं जा रही हूँ, अभी मुझे किचन को क्लीन करना पड़ेगा। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। और ये जो रेसिपी है ज़रूर ट्राई करके खाना और बताना, ठीक है, बाय।